हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आपके चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों आज की वीडियो हम सीखेंगे कूपन का कैस्ट्रॉल का कूपन कैसे स्कैन किया जाता है, उसे ऐप कैसे डाउनलोड की जाती है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैस्ट्रॉल का कूपन कैसे कैश किया जाता है। बहुत बार होता है कि हमारे पास कूपन रहता है और उसे हम स्कैन नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो में हम यही बताएंगे और ये कूपन कहाँ कैश किया जाता है, कैसे होता है, ये सब बताऊंगा। और ये आपको कैसे अकाउंट में मिलेगा ये सब बताऊंगा, कैसे वेरिफिकेशन किया जाता है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों हम अपनी वीडियो में आ चुके हैं, ये प्ले स्टोर हमने ओपन किया, यहाँ पे सर्च करेंगे कैस्ट्रॉल फास्ट स्कैनर। ये मैंने स्कैन कर दिया, ये देखिए कैस्ट्रॉल फास्ट स्कैनर के नाम से ये ऐप आ गई, इसे ओपन करेंगे। ये मैंने डाउनलोड ऑलरेडी कर रखी है, आप डाउनलोड करके ओपन कीजिएगा। इसके बाद थोड़ी देर ये लोडिंग लेगा, ठीक है दोस्तों। ये लोडिंग लेने के बाद ये कोड जो आया, ये कोड आप डालिएगा, ये हमेशा कोड बदलते रहते हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिया, उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, उसके बाद अलाउ कर दीजिएगा, थोड़ा समय लेगा। उसके बाद ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं, डीलर, DSLR और आपका मैकेनिक वाले में ओके कीजिएगा, उसके बाद ओके कर दीजिएगा। उसके बाद अपनी लैंग्वेज चूज़ कर लीजिएगा, मैं हिंदी लैंग्वेज चूज़ कर लेता हूँ। अब आपका फ़ोन नंबर डालिएगा, मैं फ़ोन नंबर अपना डाल देता हूँ। आप अपना फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा, कोई भी फ़ोन नंबर हो जो चालू हो। उसके बाद OTP कोड आएगा, OTP कोड लेके भी डाल दीजिएगा, इसमें टाइम लगता थोड़ा। ये देखिए दोस्तों OTP कोड आ गया है, अब इसे हम डाल लेंगे। हैंग होगा, OTP कोड होता है, ठीक है दोस्तों। OTP कोड डाल लीजिएगा, हमने OTP कोड डालने के बाद, उसके बाद मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, खाली मुझे पासवर्ड डाल के ओपन करना है। मैं पासवर्ड डाल के ओपन कर लेता हूँ, कोड डाल के ओपन कर लेता हूँ ऐप, ठीक है दोस्तों। इसमें अपना पासवर्ड डाल लीजिएगा, कोई भी पासवर्ड हो वो डाल लीजिएगा। मैं अपना पासवर्ड डाल लेता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैं अपना पासवर्ड डाल के ऐप को ओपन कर लूँगा। तो पासवर्ड डाल के ये सबमिट कर दीजिएगा, ओपन हो जाएगा। ये देखिए राकेश राठौर, स्वागत है राकेश। उसके बाद ये कूपन स्कैन लिखा हुआ है, इस पर ओके करिएगा। तो दोस्तों ये हम आ गए स्क्रीन पे, और इस पर सबसे ऊपर अपना नाम डालिएगा, उसके बाद बैंक खाता डालिएगा, उसके बाद FC कोड डालिएगा, ये आपके पासबुक में लिखा होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मैं आपको दे रहा हूँ, इस हिसाब से आप भर लीजिएगा। और भरने के बाद दोस्तों इसमें माई अकाउंट खाता में जाके भर लीजिएगा, उसके बाद आप इस पर आ जाइएगा, और उसके बाद ये कूपन स्कैन लिखा हुआ है, इस पर ओके करिएगा, ठीक है दोस्तों। इस पर ओके करने के बाद ये कूपन कैमरा चालू हो जाएगा आपका, अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद कूपन कैमरा चालू हो गया, इसके नीचे कूपन रख के आप स्कैन कर सकते हैं। और दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ हमारे कमेंट